हे गाइस, दिस इज विशाखा फ्रॉम सोल करी। आज हम बना रहे हैं अनानास का हलवा यानी पाइनएप्पल जैम, जो आप ब्रेड, चपाती, भाकरी के साथ भी खा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अनानास का हलवा। हमने यहाँ पे दो पके हुए अनानास लिए हैं, जिसे हम पहले पिल करेंगे। अभी हम पाइनएप्पल के स्लाइसेस करेंगे। आप चाहिए तो इसको वर्टिकली भी कट कर सकते हैं। अभी जो पाइनएप्पल की आंख होती है वो हम निकालेंगे, और ये जो पार्ट जो हम निकाल रहे हैं उसको हम साइड में रखेंगे। अनानास का जो ये कोर पार्ट है वो हमें डिस्कार्ड करना है। मैंने ये दूसरा जो पाइनएप्पल है मैंने वर्टिकली कट किया है। आप देख सकते हैं इसका मैं कोर पार्ट कैसे निकाल रही हूँ। अभी हम पाइनएप्पल्स को ग्रेट करेंगे। वाला पार्ट जो हमने साइड में निकाल के रखा था वो हम एक मिक्सी जार में लेंगे, फिर इसको ग्राइंड करके स्ट्रेन करेंगे।
जूस निकाल के रेडी हो गया है। फिर जो ग्रेटेड अनानास है उसमें ये जूस डालेंगे। फिर एक पतीले में सब ग्रेटेड कोकोनट और जूस को ट्रांसफर करेंगे। अभी हम इसे गैस पे चढ़ाएंगे। इसे आपको बीच में स्टर करना है। फिर जाएगा इसमें लौंग। हमें इसे बीच में स्टर करते रहना है और इसे धीमे आंच पे पकाना है। आप देख सकते हैं अनानास का पानी पूरा सूख गया है कुछ इस तरह। अभी इसमें जाएगी शक्कर। शक्कर का रेशियो ऐसा है कि ये जो अनानास पका हुआ है उतनी ही शक्कर जाएगी इसमें। आप चाहिए तो टेस्ट के हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड के हिसाब से 1:1। इसे अच्छे से मिक्स करना है। पूरी शक्कर मेल्ट हो गई है। फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं हम। इसमें हम मिला रहे हैं कुछ कैशू नट्स और बादाम। फिर थोड़ा सा इलायची पाउडर। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा हलवा अभी रेडी है। इसे ठंडा होने के बाद एक ग्लास कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। इसे 1 साल तक आप फ्रिज में रख के सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल सोल करी। Please like, share and subscribe. Thank you.